हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्यूक रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूं मीठे गुड़ वाली मखाने, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ले लें, जैसे मखाना, गुड़, घी, वाइट तिल। कढ़ाही गरम कर लें। अब इसमें वाइट तिल डालेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। अब कलर चेंज हो गया है, इसे थाली या प्लेट में निकाल लें। अब फिर से इसी कढ़ाही में घी डालेंगे। घी गर्म हो गया, अब इसमें मखाने डालेंगे और लगातार इसे चलाते रहें लो फ्लेम पे। कलर इसका चेंज हो गया है, एक चेक कर लेते हैं, ये जब पाउडर की तरह मैश हो जाए तब ये परफेक्ट है। इसे भी थाली या प्लेट में निकाल लें। अब यही कढ़ाही साफ़ करके फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे, इसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहें लो फ्लेम पे। इसे चेक कर लेंगे पानी में डालें। पानी में डालने के बाद इसे इस तरह से जब टूटेगा तो ये परफेक्ट है। फिर से मैं दिखाती हूँ, इस तरह जब ये टूट रहा है ये परफेक्ट है। अब इसमें मखाना डालेंगे। मखाने डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद सफ़ेद तिल जो भूंज कर रखे थे उसे भी इसमें मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फाइनली मेरा रेडी हो गया है मीठे गुड़ वाले मखाने। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लें, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे सर्दी के दिनों में भी खा सकते हैं और इसे डब्बे में स्टोर करके 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।